بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. آمين. ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ग्रामर कोर्स के अंदर आज हमारा है लेक्चर नंबर 32, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जुमला फेलिया और उसके अंदर फेल माजी का इस्तेमाल. सबसे पहले देखते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था. फेल की इकसाम देखी थी. फेल की इकसाम अरबी के अतबार से दो होती हैं, फेल माजी और फेल मुदारे. फेल माजी वैसा ही होता है जैसा उर्दू में होता है या इंग्लिश में होता है, सेम. लेकिन फेल मदारे यहाँ पे डिफरेंट होता है. और फेल मदारे जो है उसके अंदर फेल हाल और फेल मुस्तकबिल दोनों इकट्ठे आते हैं. तो अरबी के अंदर फेल की दो इकसाम है, फेल माजी और फेल मदारे, जिसमें से हमने सिर्फ फेल माजी पढ़ा था और उसका मैंने आपको पूरा चार्ट दिया था, पूरी गर्दान. उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है वो है जुमला फेलिया. अब तक हमने जुमला इस्मिया को पढ़ा था और हमने देखा था कि वो जुमला जो इस्म से शुरू हो उसे जुमला इस्मिया कहते हैं. इसी तरह वो जुमला जो फेल से शुरू हो उसे जुमला फेलिया कहते हैं. अरबी जबान में आपने अक्सर कुरान में आयतें आपने जब पढ़ी हैं तो उसमें दो मुख्तलिफ तरह की आयात होती हैं. किसी आयत का जो स्टार्ट है वो इस्म से होता है और किसी का स्टार्ट जो है वो फेल से होता है. तो आपको पता होना चाहिए कि ये फेल है और ये इस्म है. तो जो फेल से स्टार्ट हो रहा है उसे जुमला इस्मिया कहेंगे, और जो इस्म सॉरी जो इस्म से स्टार्ट हो रहा है वो जुमला इस्मिया, और जो फेल से स्टार्ट हो रहा है वो जुमला फेलिया. अब ऐसा हरगिज नहीं है कि जुमला फेलिया में सिर्फ फेल आएगा, इस्म नहीं आ सकता. या ऐसा भी हरगिज नहीं है कि जुमला इस्मिया में फेल नहीं आ सकता. जुमला इस्मिया वो है जो इस्म से शुरू हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर फेल नहीं आ सकता. शुरू अगर इसम से हो रहा है और बीच में कहीं फेल आता है तो उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है. और जहां तक जुमला फेलिया का ताल्लुक है तो जुमला फेलिया इसम के बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकता. छोटे से सेंटेंस होते हैं जो मुकम्मल होते हैं. आज हम देखेंगे कि कौन से ऐसे जुमले हैं जो इसम के बगैर मुकम्मल हो रहे हैं. उसमें भी इसम मौजूद होता है बट छुपा छुपी हुई हालत में होता है. अदरवाइज कोई भी काम जो है उसको करने वाले की जरूरत होती है. काम ऐसे ही नहीं हो जाया करता. काम जब किया जाता है तो उसके लिए किसी करने वाले की जरूरत होती है, और करने वाला जो होता है वो इस्म ही होता है, ठीक है. तो जुमला फेलिया में भी इस्म आता है. अब सवाल ये रह गया कि हमने जुमला इस्मिया में क्यों नहीं फेल पढ़ा था. इसलिए कि अभी हमने फेल को पढ़ा ही नहीं था. जब हम फेल को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो हम एंड में ऐसे जुमले फिर बनाया करेंगे जो होंगे जुमला इस्मिया, शुरू इस्म से हो रहे होंगे लेकिन उनमें फेल भी आ रहा होगा, ठीक है. लेकिन फिलहाल हमारा फोकस है जुमला फेलिया. तो वो जुमला जो फेल से शुरू हो उसे जुमला फेलिया कहते हैं. जुमला फेलिया के तीन अज्जा होते हैं. अब जिस तरह हमने देखा था कि जुमला इस्मिया के दो अज्जा थे, कौन से थे, एक मुब्तदा और एक खबर. यहाँ पे तीन अज्जा हैं. तीन अज्जा कौन से हैं? पहला पहला जुज जो है वो है फेल, दूसरा है फाइल और तीसरा है मफूल, ठीक है. फेल फाइल मफूल. उर्दू स्पीकिंग लोगों के लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है. क्यों? क्योंकि उर्दू में भी एग्जैक्ट इसी पैटर्न पे इन्हीं नामों के साथ हम जुमला बनाते हैं. फेल क्या है? किसी भी काम, कोई भी काम जो है वो फेल है. फाइल क्या है? काम को करने वाला फाइल है. जिसने वो फेल किया वो फाइल है, जिसने वो काम किया वो फाइल है. मफूल क्या है? जिस पर काम किया जाए. समटाइम्स जुमले में सिर्फ काम करने वाला जरूरी नहीं होता बल्कि जिस चीज के साथ वो काम किया जाता है वो भी मौजूद होती है, ठीक है. तो ऐसी चीज को मफ़ऊल कहते हैं. अब देख लेते हैं, जैसे हमने देखा था कि मुब्तदा और इस्म के कुछ उसूल होते थे, इसी मुब्तदा और खबर के, इसी तरह हम देखते हैं फेल फाइल और मफ़ऊल के क्या रूल्स हैं. फेल की बात तो सिंपल सी है कि फेल या तो माजी होगा या मुदारे, क्योंकि फेल की दो किस्में हैं और वो हम जू जू साथ साथ पढ़ेंगे इनकी डेप्थ के मुदारे में भी मजीद आगे जो कन्वर्जन होती हैं वो किस तरह से हो सकती हैं. लेकिन ओवरऑल क्योंकि दो ही फेल हैं टाइप्स, तो या माजी होगा या मुदारे होगा. जहां तक फाइल का ताल्लुक है तो पहली बात यह कि फाइल इसम है, फाइल इसम होता है, और इसम हम बहुत तफसील से पढ़ चुके हैं. अब जब हमने कह दिया कि फाइल इसम है तो इसका मतलब ये हुआ
कि अब हमें इसम जब बात करते हैं तो हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि इसम के बारे में चार बातों का पता होना जरूरी है, क्या? जिन्स, अदद, उसकी वुसत और एराबी हालत। हम हमेशा पढ़ते आए हैं ना, यही तो पढ़ के आए हैं, ठीक है? तो अब फाइल क्योंकि इसम है तो इसीलिए पता होना चाहिए कि फाइल के अंदर क्या खास ऐसी बात होगी उसके अदद के हवाले से, उसकी जिन्स के हवाले से, उसकी वुसत के हवाले से और उसके एराब के हवाले से। तो यहाँ सिर्फ एक अहम बात है, वो ये है कि फाइल की हालत रफा में होती है, हालत रफा में फाइल होता है, उसका रफा में होना जरूरी है, ठीक है? बाकी चीजें उसकी डिपेंड करती हैं कि वो क्या है। जिस तरह काम करने वाला एक भी हो सकता है, दो लोग भी हो सकते हैं और मल्टीपल लोग भी हो सकते हैं, ठीक है ना? तो इसीलिए अदद फिक्स नहीं है, अदद उसका वाहिद भी हो सकता है, मुसन्ना भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है। काम करने वाला मुजक्कर भी हो सकता है, मोनस भी हो सकता है, तो जिन्स भी उसकी कैद नहीं है। काम करने वाली की वुसत मार्फा भी हो सकती है, नकरा भी हो सकती है, यानी हम एक आम बात किसी के भी हवाले से, जैसे हम कहीं गाय चरती है, गाय घास खाती है, तो ऑफ कोर्स गाय एक एक गाय, यहाँ पे किसी एक खास गाय की बात नहीं हो रही, लेकिन अगर हम किसी एक गाय की बात करेंगे तो हम कहेंगे ये गाय, ये वाली गाय या काली गाय ये घास खाती है, अब ये और तरह से बात होगी। तो वुसत भी इसकी डिपेंड करती है। सिर्फ एक चीज है जो फिक्स है और जो याद रखने वाली है, और वो क्या है कि फाइल की एराबी हालत मरफू होगी, यानी ये हालत रफा में होना जरूरी है, और यही अरबी में देख के पता चलता है कि किसने काम किया था। क्योंकि उर्दू में हमने देखा था कि हम जुमले के अंदर ये देखते हैं कि हम पहले रखते हैं फाइल को, हम पहले कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहती हूँ हामिद ने खाना खाया, तो अब हामिद पहले रखूंगी मैं, फिर ने का वर्ड एक लगाऊंगी और फिर आगे लिखूंगी फेल क्या उसने किया था, ठीक है ना? तो हमेशा उर्दू में एक पैटर्न होता है, शुरू में फाइल होता है, फिर उसके बाद फेल होता है, और फेल और फाइल के बीच में एक एक आधा कुछ सपोर्टिंग वर्ड भी होता है, ने या को या कुछ भी ऐसा, ठीक है? इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में भी प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है, जिसने काम करना होता है वो पहले लिखा जाता है, फिर उसके बाद वर्ब लिखा जाता है फेल, और उसके बाद जो है वो जिस पे काम किया जा रहा होता है वो लिखा जाता है। अरबी में ऐसा जरूरी नहीं है, अरबी में समटाइम्स आप देखेंगे जुमला इस्मिया होगा लेकिन फेल बीच में आ रहा होगा, यानी कि फाइल पहले लिखा होगा फेल बाद में लिखा होगा, तो फिर इंपॉर्टेंट क्या है, पता किसे चलेगा किसने किया और किस पर किया गया? एराबी हालत बताएगी, फेल के साथ आगे या पीछे जो भी फाइल है उसके, जो भी इसम है उसके ऊपर अगर आप उसकी हालत रफा में देख रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि काम करने वाला ये है, ठीक है? तो फाइल की हालत रफा होती है, हर फेल का फाइल होना लाजमी है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, यानी फेल को फाइल के बगैर वो फेल नहीं रहता, वो सिर्फ और सिर्फ इसम रह जाता है। जैसे मैंने उसने कहा था खाना, खाना फेल नहीं है, खाना एक चीज है, एक प्रोसेस का नाम है, जब वो कोई करेगा, खाया उसने खाया, अब जब कोई हम कहेंगे खाया या खा रहा है या खाएगा, अब ये फेल है, और जब ये कह दिया मैंने तो डेफिनेटली क्वेश्चन माइंड में आता है किसने खाया, किसने किया, कौन बोला, कौन सोया। तो फेल के साथ फाइल का होना लाजमी है, जरूरी चीज। यहाँ पे थोड़ी सी अरबी की क्लास के हवाले से हट के एक बात होगी, लेकिन क्योंकि हम कुरान को पढ़ना चाह रहे हैं तो कुरान के हवाले से, जिन्होंने मेरे साथ सूरत फातिहा की तफसीर पढ़ी है उनको ये बात शायद याद हो, उस वक्त शायद आपके दिमाग में इतनी रजिस्टर नहीं होगी अच्छी तरीके से जितनी आज वो बात होगी अगर मैं अभी करूँ इस प्लेटफॉर्म पे। और वो ये है कि सूरत फातिहा का स्टार्ट कहाँ से होता है, अलहम्द। अब आप लोग मुझे खुद बता सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं अरबी के, कि अलहम्द जो है वो इसम है या फेल है? फौरन आप लोगों को कहना चाहिए इसम है, हालांकि हम्द हमारे जहन में तो तारीफ करना, लेकिन पहला इसका असूल कि अल लगा हुआ है, और हमने देखा था अल जो है सिर्फ इसम पे लग सकता है, फेल पे अल नहीं लगता। अल लगने से पता चल गया कि जो अलहम्द है वो इसम है। दूसरा पॉइंट आप बताइए, जुमला कौन सा था, ये जुमला इस्मिया था क्योंकि अलहम्द से स्टार्ट हो रही है बात। वहां मैंने एक बात की थी कि अल्हम्दुलिल्लाही तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक जबरदस्त किस्म की हमें सोचने वालों को एक वो दी है कि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरी तारीफ करो या अल्लाह की तारीफ उसने की या अल्लाह की तारीफ तुम करो या अल्लाह की तारीफ करते रहो सारे,
अल्लाह ने बात की नाउन के साथ, और नाउन किसी टाइम का मोहताज नहीं है, नाउन किसी फाइल का, किसी करने वाले का मोहताज नहीं है। मैंने वहां पे एक ये बात की थी कि इसम की क्वालिटी ये है कि उसको कोई करने वाला मौजूद हो या ना हो, उसे वो उसका मोहताज नहीं है। फेल मोहताज है फाइल का, फेल फाइल का भी मोहताज है, फेल वक्त का भी मोहताज है, लेकिन इसम इनमें से किसी चीज का मोहताज नहीं है। अल्लाह ने हम्द के साथ एज अ इसम उसको लिखा कि अल्लाह के लिए तमाम तारीफ है, उससे किसी के तारीफ करने की जरूरत नहीं है, ना ही उसे तारीफ की कोई टाइम लिमिट चाहिए थी कि फलां वक्त में तारीफ हुई थी या फलां वक्त में हो रही है या फलां आने वाले वक्त में होगी। नहीं, अल्लाह ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ है ही अल्लाह के लिए, है ही अल्लाह के लिए। हम जो सोचते हैं ना, हम नहीं अगर शुक्र अदा करेंगे तो शायद कोई हम कुछ कर रहे हैं, हमारे शुक्र अदा करने या ना करने से कोई फर्क नहीं कायनात पे पड़ता। तारीफ अल्लाह के लिए है और वो हमेशा रहेगी। ठीक है, तो अब ये देखें कि अलहम्द, हालांकि हम सुनने में लगता है शुक्र और तारीफ ये बेसिकली कोई वर्ब चीज है, लेकिन नहीं, वो एज अ इसम इस्तेमाल हुआ है। अब आप लोगों को ये बातें ज्यादा बेहतर समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो फाइल के बारे में तीन इंपॉर्टेंट चीजें, फाइल इसम होता है, फाइल की हालत रफा होती है। अब आप ये देखें कि वहां पे भी अलहम्दू है पेश। ठीक है, हर फेल का फाइल होना लाजमी है, ये तीन शरायत आपको याद होनी चाहिए। अब रह गई मफूल की बात, यानी जिस पर काम किया जाता है, मफूल भी इसम होता है, जरूरी है। मफूल हालत नसब में होता है, ये अब पहचान है। अगर मैं एक जुमला बोलूं जिसमें मैं तीन, एक मैं फेल बोलूं और एक दागे में दो नाम बोल लूं अरबी में, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये किसने क्या किया था। ठीक है, मैं अगर कहती हूं नसरा, नसरा मदद करने को कहते हैं, नसरा हामिदुन महमूदन, अब आप कहेंगे किसने किस मदद की, लेकिन किसने किसकी मदद की। अब आप आएंगे हामिद और महमूद के अराब के ऊपर, हामिदुन मैंने लिखा तो आप समझ जाएंगे कि हामिद ने मदद की, मैं आगे कह रही हूं महमूदन नसब में, तो अब आप कहेंगे अच्छा हाँ इसकी मदद की, हामिद ने महमूद की मदद की। ठीक हो गया, फेल फाइल मफूल, फाइल की हालत रफा, मफूल की हालत नसब। अब आपको पता चल गया कि ये किसने क्या काम किया और किसके साथ वो काम हुआ। ठीक हो गया, तो मफूल हालत नसब में होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि मफूल लाजमी जुज नहीं है, हर जुमले में जरूरी नहीं है कि मफूल हो। फेल को फाइल की जरूरत जरूर है, मफूल की हर वक्त जरूरत नहीं होती। अगर हम ये कहें कि जुनेद ने खाना खाया, नहीं अच्छा ये खाना खाया नहीं, जुनेद ने खाया, तो ठीक है, अब जरूरी तो नहीं कि पूछा जाए क्या खाया। हाँ, लेकिन अगर कोई बताना चाहे कि क्या खाया, तो अब वो खाना जो है वो मफूल में आ जाएगा। कि अगर मैं कहूँ जुनेद ने सेब खाया, जुनेद ने जो है वो बिरयानी खाई, कुछ भी खाया, ठीक है, अब वो एक मफूल ऐड हो गया, लेकिन वो मफूल कंपल्सरी नहीं था। मफूल जरूरी जुज नहीं है, फाइल जरूरी है। सिर्फ खाया मैं कहूंगी तो 100 तरह के क्वेश्चन होंगे, पागल हो गई है, किसने खाया, क्या खाया, किधर से आया, लेकिन जब मैं कहूंगी फलां ने खाया तो फिर आप कहेंगे हाँ ठीक है इट्स ओके, फिर अगला सवाल जरा जहन में आता है अच्छा हाँ क्या खाया था। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अच्छा इसी तरह आप ये देखें, अगर मैं ये कहूँ ये तो चले खाया मैं, तो फिर क्वेश्चन आता है ना क्या खाया, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठता है कि अच्छा क्या खाया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जैनब सोई, अब इसमें कोई नहीं कहेगा कि सोई के साथ आपको मफूल की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस जैनब सोई तो सोई। हाँ, बस सवाल ये उठ सकते हैं कि अच्छा कहाँ पे सोई थी, लेकिन वो मफूल नहीं है, वो कुछ और है, वो हम देखेंगे क्या है। ठीक है, कहाँ पे सोई थी, लेकिन सोने के प्रोसेस के लिए कोई मजीद मफूल की जरूरत नहीं है। हाँ, मारेंगे तो कहेंगे, अगर हम कहेंगे अहमद ने मारा, किसको मारा ये इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, खाना खाया तो खाने में क्या खाया, अब अगर हम कहेंगे पिया तो फिर भी क्वेश्चन आता है अच्छा हाँ क्या पिया। लेकिन अगेन पॉइंट ये है कि फाइल जरूरी है, मफूल जरूरी नहीं है, समटाइम्स आएगा समटाइम्स नहीं आएगा, लेकिन ऑफ कोर्स हम दोनों को पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हमारा फोकस जो है वो जुमला फेलिया बनाना है, फेल माजी इस्तेमाल करते हुए और फाइल की मुख्तलिफ फॉर्म्स इस्तेमाल करते हुए। मफूल को इनशाला हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे।
सबसे पहले बात के जुमला फेलिया में मैं अब फाइल की मुख्तलिफ इकसाम रख के, क्योंकि फाइल इसम है तो हमने मुख्तलिफ इसम की किस्में पढ़ी है ना, इनमें से मैं कुछ किस्में आपके सामने रख के बताऊंगी, फिर उसी पैटर्न पे सब कुछ चलेगा। सबसे पहले मैंने लिखा फाइल अगर इसमें जमीर हो, ये मैंने पहला टॉपिक क्यों रखा। अमूमन हम पहला टॉपिक जमीर नहीं रखते होते, अमूमन हम पहला टॉपिक इसम में क्या रखते थे, इस्मुल आलम, इस्मुल मुश्तरक या नाम वगैरह रखते थे, लेकिन इधर मैं इस्मुल जमीर पे क्यों आई हूँ, क्यों, क्योंकि एक्चुअली जो हमने गर्दान पढ़ी थी वो सारी जमीर की ही गर्दान थी, ठीक है, सारी जमीर की गर्दान थी। ये गर्दान आपको याद है, मैंने सामने एग्जाम्पल जहाबा यानी गया की लिखी हुई है, इसके हवाले से अगर मैं जमीर है ना सारे इसमें, तो इसमें जमीर जब फाइल के तौर पर आता है तो वो जुमले में छुपा हुआ होता है, नजर नहीं आता, यानी इस गर्दान में से कोई भी लफ्ज आप उठाएंगे वो मुकम्मल जुमला होगा। लेकिन हमने क्योंकि कहा था कि फेल को फाइल की जरूरत होती है, तो फाइल फिर कहाँ गया, फाइल उसमें छुपा हुआ है, यानी जब मैं कहूंगी वो गया तो आप फौरन यहां से उठा के मुजक्कर वाहिद आप कहेंगे जहाबा, लेकिन इसकी जमीर क्या है, इसमें जमीर कौन सी छुपी होगी, इसकी एक्चुअल वाहिद मुजक्कर की इसमें जमीर क्या है, रफा की हालत में हुआ, फौरन आप हुआ कहेंगे, इसके अंदर एक्चुअली छुपी हुई जमीर है हुआ, यानी उसने वो गया, ठीक है। इसी तरह जब आप कहेंगे वो गई तो आप फौरन यहां से उठाएंगे और आप कहेंगे यहाँ पे एक्चुअल चार्ट में क्या था, हुआ, यहाँ पे हिया इसमें छुपी हुई है, फिर तू गया जहाबत जहाब जहबता तो इसमें क्या होगा, अंता, तू गई जहबती इसमें क्या छुपा है, अंती, मैं गया जहबतू इसमें क्या छुपा है, अना, मैं गई जहबतू अना, ठीक है, मुजक्कर मोनस मुजक्कर मोनस। इसी तरह आप इनमें से कोई भी उठा ले, तो ये जो चार्ट हमने पढ़ा था, ये जो गर्दान हमने पढ़ी थी, एक्चुअली इसमें जमीर की गर्दान है, और इसमें जमीर की ही गर्दान जो इस्तेमाल की जाती है, इसी में से हम आगे भी चीजें निकालेंगे, आगे का लेक्चर आसान होगा। बात सिर्फ ये है कि जब इसमें जमीर फाइल के तौर पर आता है जुमले में तो वो छुपा होता है, नजर नहीं आ रहा होता, ठीक है। इसके अलावा जितने भी फाइल उसमें आएंगे, चाहे वो इस्मुल मुश्तरिक है, चाहे वो इस्मुल अलम है, चाहे वो कोई तौसीफी है, कोई मुरकब इजाफी है, कुछ भी है, मुरकबात है, कुछ भी है, जो हम इसम में पढ़ के आ चुके हैं, कुछ भी और होगा तो वो इसम जाहिर होगा, यानी नजर आ रहा होगा जुमले में, ठीक है। तो इसमें जमीर के अलावा जो भी फाइल होगा वो जुमले में प्रॉपर जाहिर होगा, और उसके लिए इस्तेमाल फिर क्या होगा। अब आप ये देखें कि जब हम ये बात करते हैं कि जैनब ने ये किया, जैद ने वो किया, या फिर मैं अगर ये कहूँ कि मल्टीपल लोगों के नाम ले लूँ, मैं कहूँ लड़कियों ने ये किया, लड़कों ने ये किया, ठीक है, मुख्तलिफ, मैं आप वाहिद में ले लूँ, दो लड़कों ने कुछ किया, सारे लड़कों ने कुछ किया, इनमें ये सीगे तो आते ही नहीं है ना हाजिर और मुतकल्लम के, क्योंकि हाजिर और मुतकल्लम में हमेशा यही बात है कि मैं अगर सामने बैठे किसी बंदे से बात कर रही हूँ तो तुम करके ही बात करूंगी। मैं जब कहूंगी ना, अगर मेरे सामने अहमद बैठा है और मैं अहमद से बात करूंगी तो मैं उससे डायरेक्ट क्या मुखातिब करूंगी, तुम, तो ये जमीरें आएंगी, जमीरें ही आएंगी, मैं उसके सामने बैठ के ये नहीं कहूंगी अहमद ने किया, मैं अगर कहूंगी तो इसका मतलब है कि मैं उसे सुना जरूर रही हूँ लेकिन मैं किसी और अहमद की बात कर रही हूँ, तो ये बात। इसी तरह अगर मैं अपनी बात करूंगी तो मैं ये नहीं कहूंगी मैं रबिया ने ये किया, नहीं ना, तो इसका क्या मतलब है कि मैं हम या तुम वाले सीगे जो हैं ये सारे आपके सिर्फ और सिर्फ इसमें जमीर में इस्तेमाल होते हैं। जैसे ही इसमें जमीर से हटकर कोई इसम होगा, अब क्योंकि वो थर्ड पर्सन रहेगा, आप किसी का नाम ले रहे हैं, किसी की जेनेरिक बात कर रहे हैं, तो एक जो आसानी हो गई कि बाकी तमाम इसम में सिर्फ इन्हीं में से कोई चीज इस्तेमाल होगी, ये वाली चीजें इस्तेमाल नहीं होंगी, ठीक है। और मजीद आसानी ये है कि जब जुमला फेलिया में फाइल जाहिर इसम होता है तो सिर्फ और सिर्फ दो सीगे इस्तेमाल होते हैं, ये पूरा चार्ट फेल हो जाता है, या आपके पास आएगा जहावा यानी यहाँ पे फाला का पैटर्न, मुजक्कर के लिए हमेशा ये लफ्ज लगेगा, पहला सीगा लगेगा, और मोनस के लिए हमेशा ये चौथा सीगा, चौथा किस तरह कह रही हूँ, 1 2 3 और ये 4, यानी कि मुजक्कर के लिए वाहिद वाहिद वाली चीज लगेगी और मोनस के लिए भी वाहिद वाली गायब वाली लगेगी, बाकी चार्ट की हमें जरूरत नहीं रहेगी, वो चार्ट सिर्फ और सिर्फ तब इस्तेमाल होगा जब जमीर होगी। तो ये इतना आसान रूल बन गया, अब चाहे काम करने वाला एक है दो है या 10 है, चाहे काम करने वाली एक है दो है या ढेर सारी है, सीगा वाहिद का ही इस्तेमाल होगा,
सही हो गया। तो यहाँ पे अब ये एग्जाम्पल तो मैंने ज़हाबा की लिखी है, मगर आप जहन में वही रखेंगे, तीन पैटर्न्स हो सकते हैं, फाला, फाउला और फाइला, यानी कि आइन कलमा के ऊपर जबर, पेश या जेर, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इसी तरह इसके अंदर जहाबत है, फालत, फाउलत, फाइलत, ठीक है, तीनों में से वो डिपेंड करता है कि आपका जो जमीर, जो माजी इस्तेमाल हो रहा है फेल, उसके एक्चुअल रूट लेटर्स क्या हैं, उसका एन कलिमा क्या है। सही हो गया। अब हम इसी पैटर्न पे चलते हुए एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब मैंने मुख्तलिफ फाइल रखे, इस्मुल अलम रखा यानी नाम किसी का, ठीक है। अब यहां मैंने ऊपर ये लिख भी दिया कि जब फाइल इसमें जमीर की बजाय कुछ और हो तो मुजक्कर में फाला जबकि मुअन्नस में फालत इस्तेमाल होगा। अब मैंने कहा ऊपर मैंने रखी हैं मुजक्कर की किस्में, नीचे मैंने मुअन्नस की किस्में रखी हैं, तो अब आप ये देखें कि नाम है जैद गया, जहाबा जईदुन, जैद और हामिद गए, जहाबा जईदुन व हामिदुन। अब जहाबा के साथ ये सेकंड वाली जो मुसन्ना वाली चीज लगाने की आपको जरूरत नहीं है, सिंगल वाली ही काफी है। जैद, जैद, हामिद और महमूद गए, जहाबा जईदुन व हामिदुन व महमूदुन। बस आपने किया क्या, नाम लिखा उसके ऊपर उसको रफा की हालत में डाल दिया। शुरू में आपने सिर्फ मुजक्कर वाहिद की आपने लगा दी वापसी का। अब मुअन्नस पे आ जाएं, मुअन्नस में जो है वो फालत वाला पैटर्न लगेगा, फातिमा गई, ज़हाबत फातिमा तू, फातिमा तू क्यों, क्योंकि यहाँ तुन क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है गैर मुनसरिफ वाला काम। फातिमा और जैनब गई, ज़हाबत फातिमा तू व ज़ैनबू, फातिमा जैनब और मरियम गई, ज़हाबत फातिमा तू व ज़ैनबू व मरियमू। सिंपल सी बात है, ठीक हो गया। इस्मुल अलम हमने देख लिया, अब एग्जाम्पल देख लें इस्मुल मुश्तरिक की, कॉमन कॉमन नाउन, लड़का गया। अब मैंने किसी खास लड़के का नाम नहीं लिया, मैंने कहा बस लड़का गया, ज़हाबा वलदुन, दो लड़के गए, जहाबा वलदानी, लड़के गए सारे लड़के, जहाबा औलादुन। उस्तानी गई, जहाबत मुअल्लिमतुन, दो उस्तानियां गई, जहाबत मुअल्लिमतानी, उस्तानियां गई, जहाबत मुअल्लिमातुन। यहाँ पे एक एक पॉइंट अब और नोटिस करना है कि ये सारे मैंने वो लिखे हैं क्योंकि उस्मुल मुश्तरिक जो है वो अमूमी तौर पर नकरा होते हैं। अगर मार्फा बनाने पड़े, किसी खास लड़के की बात हो रही है, किसी खास दो लड़कों की, या कुछ खास ग्रुप ऑफ बॉयज है उनकी बात हो रही है, यानी तो क्या करेंगे, वलद के साथ अल लगाएंगे, इसी तरह मुल्लिमा के साथ अल लगाएंगे, ठीक है ना। तो वो भी पॉसिबल है क्योंकि मार्फा और नकरा मैंने बताया था दोनों तरह हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। अब इस्मुल अलम में चीज हमें क्यों नहीं देखनी पड़ी, क्योंकि इस्मुल अलम बाई डिफॉल्ट मार्फा है, लेकिन इस्मुल मुश्तरिक जो है वो मार्फा भी हो सकता है, नकरा भी हो सकता है। अभी मैंने नकरा के साथ लिखी है, मैं मार्फा के साथ लिखती हूँ, ज़हबल वलदू, बस अल लग जाएगा और तनवीन उड़ जाएगी, ज़हबल वलदानी, ज़हबल औलादू। यहां तक तो ठीक रही बात, जब अल इधर लगेगा ना ज़हबत वाले केस में, तब थोड़ा सा चेंज आएगा, वो क्या आएगा, ज़हबतिल मुअल्लिमा तू, क्यों, क्योंकि अब अल लग गया तो ज़हबत अल मुअल्लिमा ये बोलना मुश्किल है, ये तोड़ता है जुमले को, ये गैप नहीं आना चाहिए वॉइस में, ज़हाबत अल मुअल्लिमा नहीं आना चाहिए, क्योंकि अलिफ लाम अल पे कोई जबर नज़ीर नहीं होती, ऐसे ही है ना, अल पे तो कुछ भी नहीं है। अब हमने इसको ऐसे जोड़ना है कि पीछे से आगे जब जोड़े तो एक फ्लुएंसी में चीज आए, तो इस केस में करते क्या है कि ता के नीचे जेर डाल देते हैं, यानी मुअन्नस का सीगा जब आ रहा है माजी में, फेल माजी में मुअन्नस का सीगा आ रहा है और उसके आगे अल वाला इस्म है, तो आपने ता के नीचे जेर डालनी है, ज़हाबतिल मुअल्लिमातु, ज़हाबतिल मुअल्लिमतानी, ज़हाबतिल मुअल्लिमातु। और आप देखें कल ही अभी हम सूरह मायदा की आयत पढ़ रहे थे, उसका स्टार्ट था कौलतिल यहूद, यहूदियों ने कहा कौलत, लेकिन आगे जेर था कौलतिल यहूद, क्योंकि अल लगा हुआ था, अगर होता ना कौलत यहूद वो डिफरेंट हो जाता, कौलतिल यहूद जेर के साथ, ठीक हो गया। तो अगर देखा जाए तो अब सिंपल सी चीज है, फेल फाइल के हिसाब से अगर तो फाइल इस्मुल जमीर है तो पूरा का पूरा चार्ट आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर फाइल इसमें जमीर के अलावा कुछ भी है तो आपने मुजक्कर के केस में वाहिद का सीगा लगाना है, ठीक है, और मुअन्नस के केस में भी वाहिद का सीगा लगाना है, लेकिन अगर आगे अल आ रहा है तो आगे नीचे ता के नीचे जेर भी लगानी है, दैट्स इट, ये टोटल हमारा काम है।
अब आप देखें मजीद थोड़ी सी प्रैक्टिस के, फाइल मुरक्कब भी अगर तौसीफी आ जाता है, नेक लड़का गया, जहाबा आ गया, अब नेक लड़का की आपको आती है, नेक लड़का क्या है, अल वलदु सालिहु, ठीक, दो नेक लड़के गए, जहाब अल वलदान इस सालिहानी, नेक लड़के गए जहाब अल औलाद उस सालिहूना, अब ये आपको पता है सारे। अब देखे ना इसम पहले सीखने का कितना फायदा हुआ, हम सारी इसम की चीजें पढ़ के आ चुके हैं, अब हमने बस पकड़ने हैं और उसको फिट करते जाना है जुमलों में। नेक उस्तानी गई, जहाबतिल मुअल्लिमतु सालिहातु, दो नेक उस्तानियां गई, जहाबतिल मुअल्लिमतानि सालिहतानि, नेक उस्तानियां गई, जहाबतिल मुअल्लिमातु सालिहातु, ठीक है। मुरकब इजाफी को देख लेते हैं, लड़के का भाई गया, जहाबा अखुल वलदी, भाई जो है वो अख उसे कहते हैं, ठीक है, तो अखुल भाई, अखुल वलदी, लड़के के दो बेटे गए, जहाबा बना बनल वलदी, ये बनल वलदी क्यों, क्योंकि आप ये देखें लड़के के दो बेटे, ये मुरकब इजाफी है, तो मुरकब इजाफी में दो बेटे पहले आ जाएंगे, लड़का बाद में चला जाएगा, दो बेटे जब पहले आए तो उनका क्या था, बनानी, ठीक है ना, बनानी। अब बनानी में से क्योंकि हमने अराब हल्का करना है तो नून ड्रॉप कर दिया, बनानिल वलदी, उनके बेटे गए, जहाबा बनूहुम, ठीक है। अब ये मैंने एक ऐसी चीज भी डाली जिसमें उनके बेटे, यानी इसमें जमीर भी आ रही है, लेकिन किसके केस में आ रही है, मुदाफिले बन के आ रही है जमीर, उनके बेटे में बेटे की जमा क्या होगी, बनूना, तो हल्का करना है तो इसलिए नून ड्रॉप कर दिया, बनू और हुम, जहाबा बनू हुम, लड़के की बेटी गई, जहाबत बिनतुल वलदी, अब मैंने यहां जहाबत क्यों लगाया, हालांकि लड़के की थी लेकिन गई कौन थी, बेटी गई थी ना, तो मोनस गई है ना, इसलिए जहाबत आया है, जहाबत बिनतुल वलदी। ऑल्दो बात हमने लड़के से स्टार्ट की, लेकिन हमें पता है कि एक्चुअली गई कौन थी, उसकी बेटी यानी मोनस गई थी, तो जहाबत बिनतुल वलदी, लड़के की दो बेटियां गई, जहाबत बिनतल वलदी, लड़के की बेटियां गई, जहाबत बिनातुल वलदी, ठीक है। ये बिनता यहाँ पे नून अगेन ड्रॉप किया हुआ, अब आप पढ़ चुके हैं मुरकब इजाफी बहुत अच्छे तरीके से, अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है आपको बहुत समझ में आया होगा, अभी हम कुरान से जो पिछली दफा हमने प्रैक्टिस की थी उसी को उठाया मैंने, सिर्फ उसमें अब एक चीज मैंने चेंज किया है, ग्रीन कलर के बॉक्सेस, पिछली दफा हमने यहाँ पे खातमा को खाली पढ़ा था क्योंकि फेल माजी, खातमा यानी स्टैंप करना, स्टैंप लगा दी, मोहर लगा दी, आज हम ये देख रहे हैं कि खातमा के बाद आगे क्या है, अल्लाहू पेश के साथ, इसका मतलब क्या है, अल्लाह ने मोहर लगा दी। अब मैं इस पे क्यों नहीं रुकू, काफारू पे क्यों नहीं रुकी, क्योंकि हमें ये पता है कि जो जमा वाले सीगे हैं या मुसन्ना वाले सीगे हैं या हमारे ऐसे सीगे हैं जो तुम वाले हैं या मैं वाले हैं, नाहनू वाले हैं सारे, ये सब कभी भी फाइल के साथ नहीं आते, इनमें फाइल छुपा होता है, फाइल के साथ कौन से आएंगे, या खातमा आएगा यानी कि फाला वाला आएगा या फालत वाला आएगा, अगर इस तरह के कोई वर्ड्स हैं तो फौरन आगे पीछे देखें कहीं फाइल लिखा हुआ है, अगर खातमा खाली होता, खातमा अला कुलूबीन, तब हम क्या कहते, तब हम इसकी ट्रांसलेशन क्या करते, खातमा अल्लाह अल्लाहू ना आगे लिखा होता, और तो इसका मतलब था कि ये सिंपल जमीर वाली फाइल फेल रह गई है, हम इसे कहते उसने मोहर लगा दी उनके दिलों पर, लेकिन अब क्योंकि आगे प्रॉपर फाइल लिखा हुआ है खत्म अल्लाहू, तो इसका मतलब है अल्लाह ने मोहर लगा दी उनके दिलों पर। इस पे मुझे नहीं रुकना, इस पे मुझे नहीं रुकना, अगली एग्जांपल देखते हैं, यहां पे भी मुझे नहीं रुकना, यहां पे मैं रुकी, ठीक है, यहां पे मुझे रुकना चाहिए था, रबीहत रबीहत, क्योंकि ये क्या है, मोनस वाला वाहिद सीगा, अब मुझे आगे देखना है कि क्या इसके आगे कोई फाइल है, तो ये है तिजारतुहुम, उनकी तिजारत, मुरक्कब आ गया, ठीक है, राबिहत तिजारतुहुम, और ये देखें ये सारा किसमें है, रफा में, तिजारतु रफा में, तिजारतुहुम, ठीक है, उनकी तिजारत ने कोई नफा नहीं दिया। इसी तरह जहाबा, फौरन मैंने आगे पीछे देखा कि कहीं कोई फाइल है तो बिल्कुल मौजूद है, जहावल्लाहु अल्लाह ले गया, व तारा का हुम, ठीक है, अच्छा अब ये तारा का हुम, इस पे भी हम बाद में आएंगे कि ये क्या चीज हुई, ये तारा का अलग ही है, अच्छा
अब आगे आए अगली में, कानू पे मैं नहीं रुकी, कौलू पे मैं नहीं रुकी, आम अना पे मैं रुकी, देखा तो आगे मौजूद था अन्नासू, आम अन्नासू लोगों ने कहा। हालांकि अब देखिए अन्नास जो है वो प्लूरल है, लेकिन सीगा कौन सा इस्तेमाल हुआ है फेल में, वाहिद का। आम अन्नासू लोगों ने कहा, इसी तरह आम अनसुफहाऊ सॉरी लोगों ने कहा नहीं, आम अन्नासू ईमान लाए, ईमान लाओ लोगों की तरह, ठीक है, या लोग ईमान लाए। आम अनसुफहाऊ, सुफहा कहते हैं जाहिल को, ठीक है ना। तो क्या हम उन, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह सा था, क्या हम उस तरह ईमान लाए जैसे जाहिल लोग ईमान लाए। इस आयत का तर्जुमा यह था कि वाइजा कील अलाहुम, और जब उनसे कहा जाता है आमिनू ईमान लाओ, कमा आमन नासु उस तरह जैसे लोग ईमान लाए, आमन नासु लोग ईमान लाए, कौलू तो वो कहते हैं अनुमिनू क्या हम ईमान लाए, कमा उसकी तरह जैसे आमन सुफहाऊ बेवकूफ लोग ईमान लाए। ठीक है, अब सुफहाऊ भी प्लूरल है लेकिन आमना वाहिद है। इस पे मैं नहीं रुकी, इस पे मैं नहीं रुकी, आगे चलते जाते हैं। आए सूरह रहमान, सूरह रहमान जबरदस्त। अर रहमान अल्लमल कुरआन, अल्लमा, अब मैंने अल्लमा के आगे देखा अल कुरआन, लेकिन ये अल कुरआन अल कुरआनु नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अल्लमा अकेला है और इसके अंदर जमीर छुपी हुई है। जमीर कौन सी छुपी होगी? ये वाहिद है, वाहिद मुजक्कर है, तो इसका मतलब है वाहिद मुजक्कर की ही जमीर होगी, यानी हुआ। इसका मतलब यह है कि अल्लामा उसने सिखाया। और अगर आप गौर करें किसने सिखाया, तो जरा पीछे आयत पे मुड़े, अर रहमानु पेश, ठीक है, अर रहमानु पेश यानी रफा की हालत में मौजूद है। फाइल ये है, करने वाला ये है, रहमान जिसने क्या किया, उसने सिखाया, खलका उसने तख्लीक किया, अल्लामा उसने सिखाया, ठीक है, क्या किया उसने, क्या सिखाया, अर रहमान वल्लामा। अब अगर हम कहें अर रहमान वल्लामा, ये देखिए लाम जबर ला क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि एक्चुअली ये पूरा सेंटेंस है, रहमान ने सिखाया, क्या सिखाया, अब ये सवाल तो बनता है। आगे मफूल आ रहा है अल कुरआना, मैंने आपको कहा था ना कि जो मफूल है वो हालत नसब में होता है। ये मैंने आज इसलिए नहीं ज्यादा हाईलाइट किए क्योंकि इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हमने पढ़ना ये मफूल को है, जुमले में मफूल भी ऐड करना है, तो इस वजह से वहां के लिए मैंने छोड़ दिया था कि इस किस्म की हम चीजें फिर देखेंगे। अल्लमल कुरान, क्या सिखाया, कुरान, खलाका उसने तख्लीक किया, किसको तख्लीक किया, अल इंसान, इंसान को, अल्लमा सिखाया उसने, किसे सिखाया, हु उसे यानी किसे, उसे इंसान को सिखाया। आगे देखिए आप समझ में आपको आती है कि देखिए क्यों दो आयतों के बीच में ला लिखा हुआ है, एक्चुअली ये बात कंटिन्यूड है, यहां नीला लिखा क्यों, क्योंकि इससे अगला जुमला प्रॉपर अगला जुमला है, रहमान रहमान ने सिखाया कुरान, उसने तख्लीक किया इंसान को, उसने सिखाया उसे बयान करना, सही हो गया, ये सारी चीजें हैं। तो बहरहाल अभी तो इस पे मजीद ये अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला हम इसको प्रॉपर तरीके से मफूल के साथ जुमले बनाएंगे, तो फिर आपको ज्यादा और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, पूरे पूरे जुमले समझ में आने शुरू हो जाएंगी, और इंशाल्लाह अगले अगले वीक की जो क्लास होगी उसके अंदर मैं, मेरी कोशिश होगी कि मैं ज्यादा प्रैक्टिस कुरान की सूरतों से ही उठाऊं, ताकि कंप्लीट कंप्लीट हमें जुमले इस तरह के नजर आ रहे हों जिसमें हम समझ रहे हों आयात को, कि क्या इसमें फाइल है, कौन कौन इसमें फाइल है, क्या इसमें फेल है, मफूल क्या हो रहा है, तो फिर बड़ा मजा आएगा आप लोगों को इंशाल्लाह ताला। बाकी रह गई ये बात कि अब अगले हफ्ते की क्लास कब होनी है, तो अगला हफ्ता है तो ईद वाला वीक, थर्सडे को हमारा टाइम होता है क्लास का, मगर नेक्स्ट वीक थर्सडे मॉर्निंग मुझे बच्चों के स्कूल जाना है, इस वजह से मैं थर्सडे इवनिंग में इंशाल्लाह क्लास लूंगी, ठीक है। जो हमारी तफसीर की क्लासेस हैं वो अगले हफ्ते नहीं होंगी, लेकिन हमारी अरबी की क्लास अगले हफ्ते होगी इंशाल्लाह, मगर जुमेरात को सुबह में नहीं होगी, शाम के टाइम में होगी, मैं टाइम आप लोगों को मैसेज कर दूंगी ग्रुप पे, तो उसमें हम इंशाल्लाह ताला मफूल के साथ प्रैक्टिस करेंगे, और फिर मैं आपको एक प्रैक्टिस शीट दूंगी, क्योंकि अभी मैं इसलिए नहीं दे रही कि अभी ईद का शुरू हो गया सिलसिला, तो अब मुझे पता है सब बिजी हो जाएंगे। अगले हफ्ते वैसे भी जब हम मफूल भी कंप्लीट कर लेंगे
तो पूरा जुमला फेल या आपको लिखना आ जाएगा, उस हिसाब से मैं इंशाल्लाह फिर एक प्रैक्टिस शीट आप लोगों को दूंगी। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हम सब के तमाम गुनाहों को माफ करे। अल्लाह ताला इन बाबरकत दिनों की बरकत से हम सब के अमाल में अमाल नामे में नेकियों का इजाफा कर दे। हम सबको तौफीक अदा फरमाए कि हम नेकी के काम करें ज्यादा से ज्यादा, और अल्लाह ताला हमारे इल्म में भी नफा बख्श इजाफा फरमाए, और हम सब के दिलों से तकबर, गीबत, हसद, नफरत ऐसे जज्बात का खात्मा कर दे। आमीन सुमामीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।